हेलो एवरीवन, दिस इज अंशुमन एंड वेलकम टू राइट वे ट्रेडिंग। स्वागत है आपका हमारे सीगल आईक्यू सीरीज के नए एपिसोड में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये है हमारा फ्री का टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे इंटरडे टाइमिंग से मुझे जो भी स्टॉक्स अच्छे लगते हैं मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। अगर आप चाहें तो हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये है हमारा ऑप्शंस का ग्रुप, जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे ऑप्शंस के जो भी ट्रेड मुझे अच्छे लगते हैं मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। देखिए, फ्री ग्रुप में आज मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ 3 या 4 ट्रेड शेयर किए थे जो भी हमारे इस फ्री ग्रुप में हैं। यहाँ पे देखिए, पहले मैंने निफ्टी का एक लास्ट में ट्रेड शेयर किया था 145 के आसपास, 22,100 का पी, 20 पॉइंट 25 पॉइंट का यहाँ पे एसएल था। और उसके बाद हमारा जो 200 का टारगेट था वो ओवरऑल अचीव हो गया है। ठीक है, इसके पहले देखिए मैंने एक ट्रेड दिया था यहाँ पे आप लोगों को 24 पे, इसने यहाँ से नियर अबाउट 47-48 का हाई लगाया था। उसके पहले मैंने एक ट्रेड दिया था यहाँ पे आप लोगों को 60 के आसपास, 70 के आसपास दिया था, हमारा 10 का एसएल था। ये एसएल हमारा हिट हो गया था। उसके बाद मैंने दोबारा से ये एंट्री आप लोगों को दी थी 60 के आसपास 40 के एसएल के साथ। उसने भी देखिए यहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं, इसने भी ऑलमोस्ट यहाँ पे 103 के आसपास का हाई लगाया। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं ऑप्शन ग्रुप में भी ट्रेड वगैरह शेयर करता हूँ। याद रखिएगा, मैं जो भी ट्रेड यहाँ पे देता हूँ वो बेसिकली एजुकेशनल पर्पज के लिए होते हैं। अगर आपको इन ट्रेड से कोई भी लॉस या प्रॉफिट होता है तो उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्रॉफिट होगा वो भी आपका, लॉस होगा वो भी आपका। ठीक है, बेसिकली एजुकेशनल पर्पज के लिए मैं यहाँ पे जो भी ट्रेड होते हैं मैं देता हूँ, आप उसी के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से एनालाइज करने के बाद ही बाय करिएगा। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के ऊपर वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये है आज का हमारा पहला स्टॉक, दैट इज नियोजन सॉफ्टवेयर। इस पर्टिकुलर स्टॉक को चूज करने का एक ही रीजन है, ये पर्टिकुलर स्टॉक देखिए मैंने मल्टीपल टाइम आप लोगों के साथ शेयर करा है, इस एरिया के आसपास शेयर करा था। यहाँ से एक अच्छा खासा रिटर्न देने के बाद नियोजन सॉफ्टवेयर ने फिर से थोड़ा सा यहाँ पे फॉल करा है, और अभी यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोबारा से एक स्विंग के 10-15% तक का टारगेट दे सकता है। ये हमारे ओवरऑल टारगेट थे, जो मैंने ओवरऑल टारगेट आप लोगों को बताया था, हमारा अल्टीमेट टारगेट है ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ से मैं आपको बताऊं तो यहाँ से हमारे दो टारगेट्स मैं आपको दूंगा। हमारा पहला टारगेट होगा यहाँ पे 904 के आसपास का, जो बनता है यहाँ से नियर अबाउट 5% के आसपास का टारगेट। और सेकंड टारगेट होगा हमारे यहाँ पे 1000 रुपीज के आसपास का। ये दोनों टारगेट अगर अचीव होते हैं तो मैंने जो ये दोनों टारगेट दिए हैं उन पे भी आप फोकस कर सकते हैं। 1087 के आसपास का, 1238 के आसपास का, दैट इज न्यूजन सॉफ्टवेयर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। आज का जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है बर्जर पेंट्स। बर्जर पेंट्स को देखिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करने का सिर्फ एक ही रीजन है। इस पर्टिकुलर स्टॉक को आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं एक बार को इसका वॉल्यूम ऑन कर देता हूँ। अब आप इसके वॉल्यूम का यहाँ पे ध्यान से देखिए, प्राइस ने देखिए यहाँ पे क्या करा है। यहाँ पे एक ये जो सपोर्ट एरिया था ना हमारा, ये था हमारा एक सपोर्ट एरिया। प्राइस ने देखिए हमारे सपोर्ट एरिया पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेने के बाद, जैसा मैं बोलता हूँ कि ऑपरेटर्स यहाँ पे आपके साथ माइंड गेम खेलेंगे, सपोर्ट को ब्रेक करेंगे, प्राइस को यहाँ पे रिक्लेम कराएंगे, रिटेस्ट कराएंगे, फिर प्राइस को बाउंस करेंगे। यहाँ पे देखिए रिक्लेम और रिटेस्ट एक बार हुआ भी है, उसके बाद प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन करने के बाद दोबारा से एक बार ब्रेकडाउन दिया, फिर यहाँ से देखिए डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बनाने के बाद प्राइस ने आज यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बना दी है। ओवरऑल 7% का इंट्राडे में हमें यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है और ये सपोर्ट लेवल के आसपास है, तो यहाँ पे भी हमें एक स्विंग का टारगेट देखने को मिल सकता है। पहला जो हमारा टारगेट रहेगा वो होगा 660 के आसपास का, यहाँ से ऑलमोस्ट 10% का टारगेट है। सेकंड टारगेट होगा हमारा 720 के आसपास का। तो ओवरऑल मैं यहाँ से 10-20% तक का यहाँ पे स्विंग में टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखूं तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो ये जो हमारा प्रीवियस हाई है 720 का, ये इसी एरिया तक आ रहा है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे मैंने ये दोनों टारगेट आप लोगों को दिए हैं, आप इन्हें भी देख सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे लास्ट एंड फाइनल स्टॉक की तरफ। आज का जो हमारा लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है वो है जीआरएम ओवरसीज। देखिए जीआरएम ओवरसीज मुझे अभी भी याद है, मैंने इस एरिया के आसपास आप लोगों के साथ शेयर करा था। ये वो दिन है 17 अक्टूबर का, आप जाके हमारा वीडियो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था प्राइस ने देखिए यहाँ पे क्या करा है। जो हमारा पहला टारगेट था 252 के आसपास का, सेकंड टारगेट था 275 के आसपास। प्राइस ने देखिए यहाँ पे एक साइडवेज एरिया क्रिएट किया, एक बार बाउंस करने की कोशिश की, फिर यहाँ पे साइडवेज एरिया क्रिएट किया, फिर यहाँ पे देखिए एक फॉल आया है। ये जो पर्टिकुलर सपोर्ट एरिया है ना, यहाँ पे मल्टीपल टाइम देखिए प्राइस ने सपोर्ट लिया है। जैसे आप लोगों को मैं अक्सर बोलता हूँ ना कि ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, प्राइस एक चीज कर सकता है कि हो सकता है इस सपोर्ट को इस तरीके से ब्रेक करे, रिटेस्ट करके ऐसे दिखाए कि मैं और फॉल कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ से इस तरीके से प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ जाए। दिस इज द सिनेरियो जो मल्टीपल स्टॉक्स में आपको देखने को मिलेगा, इसे कहते हैं ऑपरेटर्स मैनिपुलेशन। ऐसा मैनिपुलेशन आपको अक्सर बहुत सारे स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। और अभी देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है प्राइस। प्राइस ने यहाँ से फॉल किया, थोड़ा सा बाउंस किया और यहाँ पे डबल बॉटम काइंड ऑफ
प्राइस एक्शन बनाने के बाद देखिए प्राइस यहां से मूव करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहां पे इसने क्या करा है, एक सॉलिड ग्रीन कैंडल बनाया है, और अगर आप यहाँ पे देखें तो काइंड ऑफ यहाँ पे आपको बुलिश इनगल्फिंग भी देखने को मिलेगा। प्रॉपर तो नहीं है, क्योंकि बुलिश इनगल्फिंग जो रियल होता है ना, उसमें ये जो पर्टिकुलर रेड कैंडल है वो ग्रीन कैंडल के अंदर प्रॉपर आता है और उसे पूरा का पूरा इनगल्फ करा होता है ये सेकंड ग्रीन कैंडल ने, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर बुलिश इनगल्फिंग तो नहीं है, बट प्राइस यहाँ से एक अच्छा खासा मूव दे सकता है। स्विंग में अगर मैं आपको टारगेट बता दूं, हमारा पहला टारगेट होगा 194 का, हमारा सेकंड टारगेट होगा यहाँ पे 210 के आसपास का। ये दोनों टारगेट्स मैं आपको देना चाहूंगा। मार्केट अभी ऐसे सिचुएशन में है, मार्केट किसी दिन 150 पॉइंट गिरता है, मार्केट किसी दिन 100 पॉइंट उठता है, मार्केट बहुत ही अनसर्टेन है। मैं बोलूंगा जिसके भी लंबे पैसे लगे हुए हैं किसी भी स्टॉक्स में, अगर वो बहुत अच्छे प्राइस पे हैं, वो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, मुझे ऐसा लगता है एक बार को बुक करना चाहिए। मेरी ऐसी फीलिंग है पर्सनली, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और अगर आप ऐसे हैं जो सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग ही करते हैं, कभी भी किसी में पोजिशनल बाइंग या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो यही करिए अभी के लिए फिलहाल। क्योंकि मैं अक्सर बोल रहा हूँ, मैं एक बड़ा करेक्शन चाहता हूँ, मार्केट में बड़ा करेक्शन होगा, स्टॉक्स हमें अच्छे वैल्यू पे मिलेंगे, उसके बाद हमें दोबारा उसमें से हम बाइंग कर सकते हैं, वहां पे फिर एक पोजिशनल बाइंग की जा सकती है। बट अभी के लिए मुझे स्विंग ट्रेडिंग ही अच्छा लग रहा है। जो भी डेली बेसिस पे 5-10%, 2%, 5% जो भी मिल रहा है, एक बार को लेते जाइए। और अगर कोई स्टॉक आपके अगेंस्ट जाता है, आपको लग रहा है कि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे ब्रीच हो रहा है, वहां पे अपना लॉस लेके पोजीशन को कट कर दीजिए। हमेशा से मैं बोलता हूँ 100% सही 100% गलत होना एकदम पॉसिबल है। मैं पूरा गलत भी हो सकता हूँ, मैं पूरा सही भी हो सकता हूँ, बट मैं पूरे सही होने की गारंटी नहीं ले सकता, बट मैं पूरा गलत होने का आपको अश्योरेंस दे सकता हूँ कि हो सकता है मैं जो स्टॉक्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वो पूरे के पूरे भी गलत चले जाएं, क्योंकि मार्केट में 100% राइट कोई नहीं होता। मैं वही कोशिश करता हूँ कि मैं जो भी स्टॉक्स आप लोगों के लिए लेके आऊँ वो आपको अच्छा रिटर्न दे, और उसमें सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती है, ठीक है। तो आप लोग किसी भी स्टॉक में बाइंग या सेलिंग करें तो अपने हिसाब से एनालाइज जरूर कर लें। तो यही कुछ स्टॉक्स थे जो मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया था। अगर आपको मेरी एनालिसिस सिंपल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के ऊपर वीडियोस एंड एवरी वीकेंड पे आप लोगों के लिए वीकली चार बेस्टर्स के एपिसोड भी लेके आते रहता हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। जय हिंद, वंदे मातरम।